बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर्स। ऑस्ट्रेलिया इज डिवाइडेड इनटू टेरिटरीज एंड स्टेट्स। द स्टेट्स नेम्स आर तस्मानिया, विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स एंड क्वींसलैंड। इसके बाद दो टेरिटरीज इसमें शामिल हैं, इसमें नॉर्दर्न टेरिटरी एंड ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरीज। ये मैप मुख्तलिफ स्टेट्स को शो कर रहा है और टेरिटरीज को शो कर रहा है। इसमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्दर्न टेरिटरी है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और इसके सबसे नीचे तस्मानिया जो एक अलग से जजीरा है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर शामिल है। तस्मानिया, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, तस्मानिया एक जजीरा और यह भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। आइलैंड ऑफ द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ द मेनलैंड, यानी जो ऑस्ट्रेलिया का मेन हिस्सा है ये उसके जनूब में पाया जाता है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द तस्मानिया अनस्पॉइल्ड लैंड दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। विक्टोरिया ये भी एक स्टेट है और क्लोजेस्ट टू दी तस्मानिया है, यानी ये विक्टोरिया जो है ना ये बिल्कुल नेबर है, आपस में साथ साथ ही हैं, दरमियान एक छोटा सी स्टेट है। स्टेट क्लोजेस्ट टू दी तस्मानिया साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द मेनलैंड, कैपिटल इज मेलबोर्न, इट इज द मोस्ट अर्बन स्टेट इन दी ऑस्ट्रेलिया, यानी शहरी आबादी सबसे ज्यादा इसी स्टेट के अंदर पाई जाती है, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कंपैरेटिवली दूसरी स्टेट की निस्बत मॉडरेट है। द मैनी रिवर्स ऑफ द रीजन आर अ गुड सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर फार्मिंग। तो जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, विक्टोरिया यहाँ से जैसे मरे और डार्लिंग दो बड़े बड़े दरिया हैं ऑस्ट्रेलिया के, यहीं से निकलते हैं, और इसके बाद इसके अलावा और भी जो बहुत से दरिया हैं ऑस्ट्रेलिया के वो यहीं से ओरिजिनेट करते हैं, विक्टोरिया स्टेट में से। ये मैं अभी ऑस्ट्रेलिया को शो कर रहा है और इसकी डिफरेंट स्टेट्स को और टेरिटरी को ये शो कर रहा है, और इसमें विक्टोरिया को खुसूसन मेंशन किया गया है। दिस इज दी विक्टोरिया नियर टू दी तस्मानिया, और ये तस्मानिया है और ये विक्टोरिया है, और यहाँ की क्लाइमेट बहुत ही बेहतर है, तो यहाँ बारिश भी होती है और बर्फबारी भी होती है, तो यहीं से ऑस्ट्रेलिया के दरिया ओरिजिनेट मोस्टली यहाँ से करते हैं। इसके बाद आते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ। स्टेट इन साउथ सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज लोकेटेड हियर, और ये जो स्टेट है इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो विक्टोरिया डेजर्ट है वो इसी के अंदर लोकेट करता है, साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसके बाद है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये लार्जेस्ट स्टेट है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, मेकअप 1/3 ऑफ द मेनलैंड, यानी पूरा जो ऑस्ट्रेलिया उसका ये 1/3 यही ऑक्यूपाई किया हुआ है इसने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने, और ये बहुत बड़ा वसी इलाका है। मोस्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट, तो इसमें जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट एंड ग्रेट सैंडी डेजर्ट आर लोकेटेड हियर, और जो बड़े बड़े डेजर्ट हैं दोनों वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही पाए जाते हैं। इसके बाद है न्यू साउथ वेल्स, नॉर्थ ऑफ द विक्टोरिया ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, ये इसकी लोकेशन है, हैज मोर पीपल देन ओनली अदर ऑस्ट्रेलिया स्टेट, द कैपिटल सिडनी इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द ऑस्ट्रेलिया, ये भी कोस्टल सिटी है और ये बहुत ही
पॉपुलेटेड सिटी है ऑस्ट्रेलिया का है। सिडनी एक बंदरगाह भी है। और इसके बाद ऑस्ट्रेलियन कैपिटल ट्री इज लोकेटेड हेयर। इसके बाद है क्वींसलैंड, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट, 7 टाइम द साइज ऑफ इंग्लैंड, यानी ये इंग्लैंड से 7 गुना बड़ा है। इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द मेनलैंड, ये लोकेलिटी को शो कर रहा है। ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट इन द कोरल सी, और ये ऑस्ट्रेलिया के जो ईस्ट में है कोरल सी उसके साथ ये वाकया है, और ये ग्रेट बैरियर रीफ है इसके ईस्ट में पाई जाती है। मोर देन हाफ ऑफ द क्वींसलैंड इज पॉपुलेशन लिव इन द कैपिटल ब्रिस्बेन, ये उसका कैपिटल है ना ब्रिस्बेन, इसमें इसकी मोर देन हाफ पॉपुलेशन क्वींसलैंड की सिर्फ कैपिटल के अंदर मुकीम है। नॉर्दर्न टेरिटरी, नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ द मेनलैंड बिटवीन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड क्वींसलैंड, इट इज शोइंग द लोकेशन ऑफ द नॉर्दर्न टेरिटरीज। लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द एबोरिजिनीज इन ऑस्ट्रेलिया, जो यहाँ के आबाई बशिंदे जिनको हम एबोरिजिनीज कहते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा इसी टेरिटरी के अंदर पाई जाती है। देन ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी लोकेटेड इन द न्यू साउथ वेल्स, द नेशनल कैपिटल कैनबरा इज लोकेटेड हेयर, और जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा है ना वो इसी टेरिटरी के अंदर लोकेटेड है। इसके बाद हम आते हैं ऑस्ट्रेलियन फिजिकल फीचर्स की तरफ। तो द ओनली कंट्री ऑन द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट हैज अर्थ ओल्डेस्ट एंड लीस्ट फर्टाइल सॉइल, और दुनिया की यहाँ मोस्ट फर्टाइल सॉइल यहाँ पाई जाती है, और ओनली एंटार्क्टिका रिसीव लेस रेनफॉल। कॉमनवेल्थ ऑफ द ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो इंक्लूड्स तस्मानिया एंड आयरलैंड आइलैंड साउथ ऑफ द मेनलैंड, जैसा कि पहले मैंने जिक्र किया है, जो इसका तस्मानिया जजीरा है जो मेनलैंड के बिल्कुल साउथ में ये पाया जाता है। इट इज सराउंडेड बाई द इंडियन एंड पैसिफिक ओशन, और जो इंडियन और पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। इसके वेस्ट में इंडियन ओशन पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के, और ईस्ट में पैसिफिक ओशन पाया जाता है। ह्यूज डेजर्ट प्लेन स्ट्रेच अक्रॉस द कंट्री, मिडल सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया क्लाइमेट इज हॉट एंड ड्राई। तो ह्यूज डेजर्ट प्लेन्स, जो डेजर्ट प्लेन है वो स्ट्रेच अक्रॉस द कंट्री, मिडल सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया क्लाइमेट इज हॉट एंड ड्राई। तो जो सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया की क्लाइमेट है वो हॉट भी है और ड्राई, क्योंकि यह इलाका बहुत कम बारिश रिसीव करता है एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जो ईस्टर्न वेंड्स है वो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट की तरफ से आती हैं, वहाँ जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं वो उसके मुखालिफ सिमत में वाकई होने की वजह से इसके विंडवर्ड साइड भी तो बारिश हो जाती है। वो इलाके जो उनमें ज़्यादा बारिश की वजह से वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, वहाँ एग्रीकल्चर भी ज़्यादा है, वहाँ से दरिया भी निकलते हैं और क्लाइमेट भी कंपेरेटिवली बेहतर होती है एज कम्पेयर टू दी वेस्टर्न एरियाज, क्योंकि ये इलाका बहुत कम बारिश रिसीव करता है, इसलिए कम बारिश की वजह से ये हॉट एंड ड्राई है, तो पॉपुलेशन भी बहुत यहाँ कम पाई जाती है। माइल्डर क्लाइमेट अलोंग दी साउथ ईस्टर्न एंड दी साउथ वेस्टर्न कोस्ट, मोस्ट ऑस्ट्रेलियंस लिव इन दी साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन, यानी जो साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन है उसमें भी ऑस्ट्रेलियन की तादाद काफी पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ, जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी एट्थ वंडर ऑफ दी वर्ल्ड, ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न में ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है,
वर्ल्ड लार्जेस्ट ये कोरल रीफ है, लाइज ऑफ ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द क्यूनलैंड्स ओवर 1200 माइल्स लॉन्ग, 1200 मील इसकी लंबाई है नॉर्थ टू साउथ। कंटेन्स एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ द मेरीन लाइफ इंक्लूडिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ द कोरल्स। तो इसमें 400 टाइप्स ऑफ द कोरल्स हैं, 1500 स्पीशीज ऑफ द फिश हैं। उसके बाद आल्सो इंक्लूड्स रेयर स्पीशीज लाइक द सी कॉ एंड द लार्ज ग्रीन टर्टल्स। कोरल सी एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द कोरल फॉर द ग्रेट बैरियर रीफ, पार्ट ऑफ द पैसिफिक ocean off the northeast coast of the Australia. When the Earth's crust moved millions of years ago, it created the Coral Sea and the Great Dividing Range, largest mountain range in the Australia. जो Great Dividing Range है, ये Australia का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है। Coral Sea island are scattered over the thousands of miles of ocean. No one lives on the island except for a small group of weather specialists. Eris rock, a huge reddish rock in the center of the Australia, very close to the geographic center of the continent. It is a monolith which is a single large rock sticking out of the earth. Appears reddish because its iron control rusts at the surface. Nearly 12 stories high and almost 6 miles wide. Irish rocks aboriginals call it Uluru, which is its official name. तो वो इसको इस नाम से पुकारते हैं। European surveyor visited the rock in the 1873 and named it after Sir Henry Irish, an English government official in South Australia. In 1950, Australian created Uluru. Katajuta National Parks around Eyre's Rocks, both are located in the south-west corner of the state called Northern Territory. Great Victoria Desert stretches through the state of the South Australia and Western Australia, receive only 8 to 10 inches of the rain each year, and it never स्नो, बहुत कम बारिश होती है 8 to 10 इंच ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट में। और सम ग्रासलैंड इन द डेजर्ट अलॉन्ग विद सैंड हिल्स एंड साल्ट। फर्स्ट यूरोपियन टू क्रॉस द डेजर्ट नेम्ड इट आफ्टर ब्रिटिश क्वींस विक्टोरिया इन 1875, और ये नाम उसको 1875 में दिया गया मलका विक्टोरिया के नाम से। 1,60,000 माइल्स लॉन्ग एंड इज अ प्रोटेक्टेड वाइल्डनेस एरिया, वेरी फ्यू ऑस्ट्रेलियन लाइव्स हियर बिकॉज इट इज टू हॉट एंड ड्राई। जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, यहाँ बारिश की मकदार बहुत कम होती है। बारिश की मकदार कम होने की वजह से यहाँ गर्मी भी ज्यादा है, यह इलाका हॉट भी है और ड्राई भी है, और लोगों की बहुत कम तादाद यहाँ पाई जाती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।